नमस्कार दोस्तों, NIUS के DLED प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज आपको निबंध शिक्षण की पाठ्ययोजना विषय के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगी। निबंध शिक्षण की पाठ्ययोजना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा शिक्षण के तीन मुख्य आयाम होते हैं, ग्राह्यात्मक यानी भाषा को ग्रहण करना, अभिव्यंजनात्मक उसकी अभिव्यक्ति करना, और सृजनात्मक यानी लिखित और मौखिक रूप से भाषा का सृजन करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति बालक जन्म से ही अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने साथियों के साथ सीखना प्रारंभ कर देता है। लेकिन निबंध शिक्षण के द्वारा अध्यापक उसकी इस अभिव्यक्ति को, इस ग्रहण करने की क्षमता को, लिखित और मौखिक सृजनात्मकता को सशक्त और प्रभावी बनाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भाषा शिक्षण में निबंध शिक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ है बांधना। किनको बांधना? क्रमहीन विचारों को भाषा के माध्यम से बांधना, अर्थात उन्हें क्रम प्रदान करना। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी निश्चित विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना निबंध कहलाता है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आत्मानुभूति व्यंजक और बाह्यानुभूति व्यंजक। आत्मानुभूति व्यंजक अर्थात जिनके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। बाह्यानुभूति व्यंजक निबंध का तात्पर्य उन निबंधों से है जिनके द्वारा दूसरे के कही गई बातों को, विचारों को हम ग्रहण करते हैं और सुनते हैं या लिखना सीखते हैं। आत्मानुभूति व्यंजक विचारों में भावात्मक निबंध और विचार प्रधान निबंध, दो प्रकार के निबंध मुख्यतः होते हैं। इसी प्रकार बाह्यानुभूति व्यंजक विचारों में कथात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंधों को रखा जाता है। भावात्मक निबंध, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, इसमें हृदय पक्ष की प्रधानता होती है, मनोवेगों की प्रबलता होती है, जबकि विषय प्रधान निबंधों में विचारों का तर्कशील और चिंतनशील संयोजन किया जाता है। इसी प्रकार कथात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध। कथात्मक निबंधों में किन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्यों या साहित्यिक सूत्रों पर आधारित विचारों को पिरोया जाता है, जबकि वर्णनात्मक निबंध में प्राकृतिक, भौतिक पदार्थों, घटनाओं, दृश्यों या वातावरण का वर्णन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इन निबंधों के प्रकार का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि जब अध्यापक निबंध का शिक्षण करता है तो उसको स्वयं इस चीज़ को समझना होगा कि उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले निबंध किस श्रेणी में आता है। अगर उसको यह समझ में आता है कि उसका निबंध किस श्रेणी में है, तो वो तदनुरूप वो अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर सकेगा, तदनुरूप वो शिक्षण विधि का चयन कर सकेगा और उसके अनुरूप प्रस्तुतिकरण कर सकेगा। निबंध शिक्षण की पाठ योजना। दोस्तों, निबंध शिक्षण की पाठ योजना के निर्माण में दो पृथक उद्देश्य होते हैं, दो पृथक दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं। आप कहेंगे कैसे? जब अध्यापक को निबंध की रचना करना सिखाना होता है, अर्थात जब उसका उद्देश्य आत्मानुभूति होता है, तो वह निबंध रचना शिक्षण उद्देश्य हो जाता है। जबकि जब अध्यापक बाह्यानुभूति व्यंजक विचारों को लेकर चलता है और जब बाह्यानुभूति व्यंजक निबंध होता है, तो उसका उद्देश्य अलग होता है और वह निबंध गहन पाठ की श्रेणी में आता है और तब अध्यापक का उद्देश्य गहन पाठ शिक्षण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध शिक्षण करने से पूर्व अध्यापक को यह खुद समझना होता है
कि वो निबंध रचना कराने जा रहा है या निबंध पाठ कराने जा रहा है। निबंध रचना शिक्षण। जब अध्यापक को किसी निबंध की रचना करना सिखाना होता है तो वह अपनी पाठ योजना में उस कक्षा के अनुसार किसी स्थान, वस्तु, चित्र, घटना, किसी महापुरुष या किसी समस्या, त्योहार इत्यादि पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना सिखाने हेतु क्रमानुसार शिक्षण अधिगम क्रियाओं का नियोजन करता है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं का नियोजन इस प्रकार से कि वह जो विषय वस्तु है उसके अनुरूप उसको उद्देश्यों का निर्धारण, उसके अनुरूप सहायक सामग्री का चयन, उसके अनुरूप शिक्षण बिंदुओं का क्रमवार प्रस्तुतिकरण, तदनुरूप श्याम पट कार्य इत्यादि बहुत सारी क्रियाओं का संयोजन उसको करना होता है। यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से यह समझेंगे कि निबंध रचना शिक्षण किस प्रकार कराया जाना चाहिए। दोस्तों, ये आपके सामने निबंध रचना शिक्षण का एक पाठ योजना का उदाहरण भी है। उदाहरण के लिए हम यहाँ कक्षा 7 के लिए दहेज प्रथा नामक शीर्षक पर निबंध रचना शिक्षण की पाठ योजना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अध्यापक को सामान्य उद्देश्यों का चयन करना होता है। चूंकि यह निबंध रचना शिक्षण का उद्देश्य है तो अध्यापक यहाँ पर यह सामान्य उद्देश्य लेकर चलता है कि वह विद्यार्थियों में वाक्य रचना की क्षमता का विकास कर सकेगा, वह विद्यार्थियों में भावों और विचारों को साहित्यिक शैली में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास कर सकेगा। दहेज प्रथा शीर्षक पर निबंध रचना शिक्षण करने के लिए अध्यापक जिन विशिष्ट उद्देश्यों की रचना करता है वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम वह यह अनुमान करता है, वह यह उद्देश्य निर्धारित करता है कि छात्र निबंध रचना की आवश्यकता और उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात अध्यापक उनको यह समझाने में सफल हो सकेगा कि निबंध रचना कितनी आवश्यक है और कितनी उपयोगी है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य शीर्षक से संबंधित होगा, जहां पर अध्यापक यह मान के चलता है कि विद्यार्थी इस शिक्षण के माध्यम से दहेज प्रथा नाम की समस्या से अवगत हो सकेंगे और दहेज प्रथा के कुप्रभावों को समझ भी सकेंगे, उनका बोध कर सकेंगे। इसके साथ जो अगला शिक्षण बिंदु दहेज प्रथा की समस्या के समाधान के उपाय हैं, विद्यार्थियों को अध्यापक यह समझा सकने में सफल हो सकेगा। इस वजह से अध्यापक यह विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करता है कि छात्र दहेज प्रथा की समस्या के समाधान के उपायों को समझ सकेंगे। सद्वृत्त्यात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत अध्यापक यह अनुमान लगाता है, यह उद्देश्य लेकर चलता है कि छात्र दहेज प्रथा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, अर्थात वह जीवन में कभी भी दहेज प्रथा के प्रति अपना समर्थन नहीं देंगे। निबंध रचना शिक्षण के अंतर्गत दहेज प्रथा नामक शीर्षक पर निबंध लिखना सिखाने के लिए अध्यापक यह पूर्व अनुमान करता है कि छात्र समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों का ज्ञान रखते हैं। सामाजिक बुराइयां जैसे बाल श्रम, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि। अध्यापक सहायक सामग्री के रूप में दहेज प्रथा से संबंधित चार्ट, चित्र या अनेक घटनाएं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार इत्यादि का प्रयोग करेगा। शिक्षण विधि के अंतर्गत अध्यापक इनमें से कोई भी एक विधि का प्रयोग कर सकता है और इसके साथ साथ प्रविधि के रूप में अन्य विधियों का भी प्रयोग कर सकता है। ये विधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, प्रवचन विधि, स्वाध्याय विधि, अनुकरण विधि जिसको आदर्श विधि भी माना जाता है, वाद विवाद विधि इत्यादि। इतनी पूर्व तैयारी के बाद दोस्तों
अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले बालकों से प्रस्तावना प्रश्न पूछता है या वो अन्य माध्यम से भी प्रस्तावना कर सकता है। यहाँ पर अध्यापक कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी के द्वारा अपनी प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना के माध्यम से अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से संबंधित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर वह मैथिली शरण गुप्त की कविता के माध्यम से यह कार्य कर रहा है। प्रस्तावना के बाद अध्यापक बच्चों के सामने उद्देश्य कथन करता है कि आज हम नारी जीवन में आने वाली समस्याओं से संबंधित एक दहेज प्रथा के बारे में निबंध लिखना सीखेंगे। उद्देश्य कथन करने के बाद अध्यापक क्रमबद्ध रूप से शिक्षण बिंदुओं की प्रस्तुति करता है। जैसे सर्वप्रथम अध्यापक यह बताता है कि निबंध रचना का क्या तात्पर्य है। तत्पश्चात वह छात्रों के समक्ष चर्चा विधि से, प्रश्न विधि से, वाद विवाद विधि से दहेज प्रथा के अर्थ को, प्राचीन और आधुनिक अर्थ को प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा करता है और साथ ही दहेज प्रथा के संबंध में भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की भी चर्चा की जाती है। इन कानूनों के पश्चात अन्य रूप से समाज के द्वारा उनके समाधान के हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, यह छात्रों से चर्चा के माध्यम से निकलवाया जाता है और अंत में उपसंहार के माध्यम से निबंध की समाप्ति की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि क्रमबद्ध रूप से अध्यापक छात्रों को निबंध लिखना सिखाता है। इन बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात अध्यापक निबंध का प्रारूप और रूपरेखा को श्याम पट पर लिखता है और विद्यार्थी उसको अपनी पुस्तक में लिखते हैं। अध्यापक इसका निरीक्षण भी करता है कि क्या विद्यार्थियों ने श्याम पट पर लिखे हुए कार्य को अपनी पुस्तक में लिख लिया है अथवा नहीं। यदि नहीं तो वह उचित दिशा निर्देश देता है और विद्यार्थियों को यह कहता है कि वह इसको अनिवार्य रूप से अपनी पुस्तक में लिख लें। तत्पश्चात गृह कार्य के रूप में छात्रों से वह ये कहता है कि वह अपनी भाषा में दहेज प्रथा पर 150 से 200 शब्दों के बीच में निबंध लिखें। शब्द सीमा रखने का तात्पर्य यह है कि अध्यापक को यह भी ध्यान में रखना होता है कि वह किस कक्षा को पढ़ा रहा है। यहाँ पर कक्षा 7 के लिए शिक्षण कार्य किया जा रहा है, इसलिए कक्षा 7 के बालकों के अनुरूप 150 से 200 शब्दों की शब्द सीमा उपयुक्त होगी। इसलिए अध्यापक गृह कार्य के रूप में उनसे 150 से 200 शब्दों के बीच में ही निबंध लिखने के लिए कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि निबंध रचना किस प्रकार कराई जाती है और उसकी पाठ योजना के लिए क्या क्या पद शिक्षक को अपनाने होते हैं। अब दोस्तों, हम यह बात करेंगे कि निबंध शिक्षण अगर गहन पाठ होता है तो किस प्रकार कराया जाए और उसकी पाठ योजना किस प्रकार बनाई जाए। यहाँ पर आपके समक्ष एक आदर्श पाठ योजना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है क्रोध, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है और यह कक्षा 7 के लिए बनाई गई है। यहाँ पर अन्य पाठ योजनाओं की भांति अध्यापक को सबसे पहले सामान्य उद्देश्यों का ही निर्धारण करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसमें प्रथम है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उनमें शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन कौशलों का विकास करना, उनमें मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को लोकोक्तियों, सूक्तियों और कथाओं के भंडार का विस्तार करना। यहाँ पर दोस्तों, आप यह देख रहे हैं
कि भाषा शिक्षण से संबंधित अनेक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। हम यह पढ़ चुके हैं कि जब गहन पाठ शिक्षण कराया जाता है तो शिक्षक का उद्देश्य केवल साहित्य का ही शिक्षण करना नहीं होता, बल्कि भाषा का शिक्षण भी करना होता है। इसलिए निबंध में आए हुए शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन भी अनिवार्य होता है। इसलिए अध्यापक यह सामान्य उद्देश्य भी लेकर चलता है। अब बारी आती है विशिष्ट उद्देश्यों की। चूंकि हमारा शीर्षक है क्रोध, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, तो हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, वह होगा कि विद्यार्थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ में प्रस्तुत विचारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम यह निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी क्रोध जनित व्यवहार से उत्पन्न दुष्परिणामों को समझकर प्रसन्न रहने का भाव अपने जीवन में जागृत कर सकेंगे। इसी प्रकार कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अध्यापक यह उद्देश्य लेकर चलता है कि विद्यार्थी पाठ से संबंधित विचारों को शुद्धता के साथ बोलने और लिखने के कौशल का विकास कर सकेंगे। भाषा के शिक्षण में निबंध शिक्षण उसका एक पक्ष होता है, लेकिन चूंकि यह भाषा से संबंधित है इसलिए रचनात्मक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यहाँ पर अध्यापक यह विशिष्ट उद्देश्य लेकर चलता है कि विद्यार्थी क्रोध विषय पर लेखक के विचारों को अपने शब्दों और अनुभवों के साथ लिखकर या बोलने का अभ्यास कर सकेंगे और उनकी रचना कर सकेंगे। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाना होता है कि विद्यार्थी क्रोध नामक विषय के संदर्भ में क्या जानकारी रखते होंगे। इसके साथ साथ अध्यापक को यह भी निर्धारित करना होता है कि वह इस विषय के लिए किस सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है। इतना कार्य करने के पश्चात, अर्थात इतनी पूर्व तैयारी करने के पश्चात, अब अध्यापक को वास्तविक प्रस्तुतिकरण करना होता है। कक्षा में वास्तविक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में जो पहला चरण है वह है प्रस्तावना। दोस्तों, हम इस विषय पर पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि अध्यापक को प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, किसी चित्र के माध्यम से, अनेक विधियों में से किसी एक सर्वोत्तम विधि के द्वारा करनी होती है और इसके द्वारा वह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित करता है। इस प्रस्तावना का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी होता है कि वह विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो अध्यापक जब भली भांति प्रस्तावना करता है तो विद्यार्थी न केवल उस पढ़ाए जाने वाले पाठ में रुचि उत्पन्न करते हैं बल्कि जिज्ञासु भी होते हैं। इसलिए प्रस्तावना को भली भांति करना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रस्तावना करने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों को उद्बोधन देता है कि आज हम कक्षा में क्रोध नामक विषय पर, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करेंगे और उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह निबंध पाठ है तो इसमें एक दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत अध्यापक 3 या 4 अनुच्छेदों का पाठ करवा सकता है। तो प्रथम अनुच्छेद का वह पाठ करता है, आदर्श पाठ करता है, शुद्ध उच्चारण, लय, आरोह और अवरोह के साथ वह जब आदर्श वाचन करता है, उसके पश्चात वह विद्यार्थियों को, उनमें से 3 या 4 विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन के लिए कहता है। अनुकरण वाचन के पश्चात अध्यापक उच्चारण शुद्धता करवाता है। दोस्तों, अनेक बार विद्यार्थी अनुकरण वाचन करते समय अनेक प्रकार की भाषिक त्रुटियां करते हैं। अध्यापक को यह भी ध्यान में रखना होता है कि विद्यार्थियों के उच्चारण को शुद्ध कराना आवश्यक है। इसलिए जिन जिन स्थलों पर
विद्यार्थी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उनकी शुद्धता किए बिना अध्यापक को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए वह उच्चारण शुद्धता करवाता है। तत्पश्चात वह अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ विभिन्न विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताता है। उसके लिए वह विद्यार्थियों का सहयोग भी ले सकता है या उनसे उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर, उनके भाषिक ज्ञान के आधार पर उनकी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकता है। शब्दार्थ के पश्चात इस काठिन्य निवारण की प्रक्रिया के बाद अध्यापक को यह निरीक्षण कार्य करना होता है कि क्या विद्यार्थियों ने कठिन शब्दों का अर्थ अपनी पुस्तिका में लिख लिया है या नहीं। पुस्तिका में लिखने के बाद या निरीक्षण कार्य करने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों से बोध प्रश्न करता है। बोध प्रश्न जो अनुच्छेद में आए हुए विचार हैं वह आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन और शब्दार्थ के पश्चात विद्यार्थियों को कितना बोध हो सका इसलिए किए जाते हैं। बोध प्रश्नों के पश्चात अध्यापक स्वयं उस अनुच्छेद में आए हुए विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, उनकी व्याख्या करता है और इस प्रकार से वह उसमें आए हुए दृष्टांतों को, उदाहरणों को भी स्पष्ट करता है। प्रथम अनुच्छेद की इस संपूर्ण क्रिया के पश्चात द्वितीय अनुच्छेद के संदर्भ में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अध्यापक आदर्श वाचन करता है, फिर विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन के लिए कहता है, उच्चारण शुद्धता करवाई जाती है, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि विद्यार्थियों ने उसको अपनी पुस्तिका में लिखा अथवा नहीं, विद्यार्थियों से बोध प्रश्न कराए जाते हैं और अंत में अध्यापक विचार विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत करता है। जब समस्त अनुच्छेदों का पाठ हो जाता है उसके पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों को मौन पाठ के लिए कहता है। मौन पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों में वायनुभूति को, पाठ को स्वयं समझकर भाव ग्रहण करना, विचार ग्रहण करने की क्षमता का विकास करने की दृष्टि से कराया जाता है। मौन पाठ के पश्चात अध्यापक पुनः छात्रों से बोध प्रश्न पूछता है। बोध प्रश्नों के पूछने के पश्चात अध्यापक समस्त पाठ का सारांश श्याम पट पर लिखता है। यह वस्तुतः सार होता है कि उस निबंध में अथवा उस पाठ में क्या मुख्य बातें लेखक की ओर से कही गई हैं। श्यामपट सारांश लिखने के बाद अध्यापक कक्षा में यह निरीक्षण करता है कि समस्त बालकों ने उसका कार्य जो श्यामपट पर लिखा गया है वो लिख लिया है अथवा नहीं। जब यह प्रक्रिया हो जाती है उसके पश्चात अध्यापक श्याम पट पर लिखी हुई समस्त विषय वस्तु को हटा देता है और फिर विद्यार्थियों से मूल्यांकन प्रश्न करता है। मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत वह यह देखता है कि जिन उद्देश्यों का निर्धारण उसने पूर्व में किया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है अथवा नहीं। मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा अध्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करता है। मूल्यांकन प्रश्नों के पश्चात अध्यापक विद्यार्थियों को गृह कार्य देता है और वह यह गृह कार्य विद्यार्थियों में लेखन कौशल के विकास की दृष्टि से देता है, उनके विचार भाव विश्लेषण की दृष्टि से देता है। अर्थात एक गृह कार्य के द्वारा वह विद्यार्थियों में कई उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का मूल्यांकन करता है। यहाँ विद्यार्थियों एक आदर्श पाठ योजना का प्रारूप, संक्षिप्त प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत है कि जिसमें सर्वप्रथम अध्यापक पाठ योजना की संख्या, दिनांक, विषय, कक्षा, प्रकरण इत्यादि का उल्लेख करता है। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों का, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, रचनात्मक और कौशलात्मक का संक्षेप में वर्णन करता है। सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान का उल्लेख करता है, प्रस्तावना का उल्लेख करता है और तत्पश्चात बिंदुवार वह उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए अपनी शिक्षक क्रिया
और छात्रों की होने वाली क्रिया का भी वर्णन साथ के साथ करता चलता है और यह भी तय करता है कि किस शिक्षण बिंदु के पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थी में क्या अपेक्षित परिवर्तन आ जाएंगे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने निबंध रचना शिक्षण के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने निबंध गहन पाठ शिक्षण के संदर्भ में पढ़ा। हमने निबंध शिक्षण की पाठ योजना, चाहे वो रचना से संबंधित हो या वह गहन पाठ से संबंधित हो, इसके बारे में पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको यह बोधगम्य हुआ होगा और आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा। इसके साथ मैं प्रतिभा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। अगले पाठ में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।